लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली की रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें तमाम इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद रहे। ऐसे में विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का मुद्दा उठाया गया, तो वहीं संविधान को बचाने की बात कही गई। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने महारैली की। लोकसभा चुनाव से पहले इस महारैली को विपक्षी नेताओं का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, चंपई सोरेन, उद्धव ठाकरे, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, वृंदा करात मंच पर एक साथ नजर आए। दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा कि दिल्ली का रामलीला मैदान परिवर्तन का इतिहास लिखने जा रहा है। केवल आज रामलीला मैदान में आज अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ आप जानते हो, पिछले 21 तारीख के बाद से पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर विरोध उठ रहा। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके क्यों जेल में डाल दिया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल पहली बार, केवल अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार नहीं हुए, हम सबने देखा है खबरों में दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। हमने देखा है देश के हर राज्य के अंदर केंद्र की तानाशाही सरकार, देश के प्रधानमंत्री, ईडी और सीबीआई के दम पर इस देश के अंदर लोकतंत्र की एक एक करके हत्या कर रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान पर मंच पर मौजूद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आक्रामक तेवर में नजर आए, केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाए और पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी जिस तरह आंधी की तरह आए हैं, उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। ये दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे, उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। पहला रैली हम लोगों ने पटना में किया, दूसरा बॉम्बे में किया और तीसरा आज जो है दिल्ली में हो रहा है। और मैं बता दूं, देश के कोने कोने में जहां भी हम लोग जा रहे हैं, वहां जनता का साथ आशीर्वाद मिल रहा है। अखिलेश यादव ने विपक्षी नेताओं को जेल में डालने पर कई सवाल उठाए, तो बीजेपी के 400 के पार नारे पर भी तंज करते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर 400 पार हो रहे थे तो बीजेपी को आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी से घबराहट क्यों हो रही थी। इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। आज हम लोग दिल्ली में आए हैं, सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन के नेता एक साथ रामलीला मैदान में नजर आए हैं, जहां से केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। कहा गया कि देश में तानाशाही हो रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।